अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जरी किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे काले चने का पुलाव, मज़ेदार सा स्पाइसी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके अंदर हमने एक प्याली तेल डाल दिया, ये गर्म हो रहा है तेल। हमारे पास ये दो प्याज हैं, हमने स्लाइस कर लिया इनको। प्याज को तलेंगे, अभी सुनहरे हो जाएगी प्याज, फिर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। देखिए प्याज इतनी गोल्डन हो गई है, थोड़ी सी और करेंगे, इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज इसी में रहने देंगे, इसमें बाकी मसाले डालेंगे। पास है 3 से 4 तेज पत्ते, 6 से 8 लौंगे हैं, 3 बड़ी इलायची हैं, 6 छोटी इलायची हैं, दालचीनी के स्टिक हैं 3-4, और ये बादियान के फूल 4 अदद हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा है। साथ ही हम ये 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्चें, बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं मलिर की, इसमें हम डालेंगे सिर्फ 3 टेबल स्पून। ये 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 2 अदर मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसको भी हमने कटिंग कर लिया था। नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून, दही है ये 1 पाव से कम है। इसका मसाला बनाएंगे, अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद इसको आके चेक करेंगे। आँच इसकी मीडियम रखेंगे। ये हमारे पास चने हैं, ये 300 ग्राम चने, इसको बॉईल कर लिया हमने, देखिए इतना बॉईल करा है इसको, 10 मिनट हो गए। इस तरीके से सारे टमाटर वगैरह जो है सब अच्छे तरीके से गल गए, इसमें डालेंगे हम ये आलू बुखारे हैं 8 से 10, और ये नींबू की काशी काट के हमने 1 नींबू की ये डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर डाल देते हैं चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। चने हमारे पास है, दिखा दिए थे पहले कि इतने हैं ना, इसमें सोडा डाला हुआ है ना कुछ। इसके अंदर पानी डालते हैं, बहुत मज़ेदार सा बनता है ये। इसको ज़्यादातर नहीं बनाते हैं घर के अंदर, सफ़ेद चने का बनाते हैं, मगर ये ट्राई करके देखिएगा, ये भी बहुत मज़े का बनता है काले चने का पुलाव। अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी, पानी हम डालेंगे 4 गिलास के करीब। ये चावल है हमारे पास बासमती 1 किलो, ये डाल देंगे इसके अंदर, ये भिगो के रखे थे हमने 1/2 घंटे पहले। इसके अंदर हमने 5 गिलास पानी डाला है, जो नॉर्मल गिलास होते हैं स्टील के वो वाले। अब इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे 4 से 5 अदद, हमारे
पास पुदीना है, पुदीने के पत्ते तोड़ के रखे हुए हमने, पानी में भिगोए हुए थे, पुदीने के पत्ते ये डाल देंगे इसमें, आधी कटी पुदीने के पत्ते ढक देंगे चावल उबलने तक। आँच इसकी हमने फुल की हुई है, 10 मिनट के बाद इसकी आँच ज़रा कम कर देंगे हम, 10 मिनट तक इसको ऐसे ही रखेंगे। इसके अंदर मसाले की जो खुशबू आ रही है इसके अंदर हम डाल देंगे, ये तली हुई प्याज जो हमने बचा के रखी थी डाल देंगे इसके अंदर, और फिर इसको जो है हम दम पे रख देंगे। ये हमने तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसको हम दम पे रख देते हैं। अगर साफ़ ही हम दम पे रख देंगे क्योंकि सब कुछ गर्म है अभी, ये सब इसमें तो इसको हम रखेंगे सिर्फ 5 मिनट तक दम पे, तेज आंच करके 2 मिनट 3 मिनट तक, इसके बाद दम पे हम कर देंगे। दम पे रखे हुए 6 मिनट हो गए, एक दाना अलग है, बहुत मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग। देखिए हमारा मज़ेदार सा चना पुलाव बन के तैयार हो गया, हमने ग्रीन रायता बनाया हुआ है ग्रीन चटनी के साथ जो है, और एक हमने काली मिर्च का रायता बनाया हुआ है सलाद के साथ, इसको सर्व करें। उसका फीडबैक जरूर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड शेयर करें, और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।